नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा वुमेंस टी20 चैलेंज के बारे में। ट्रेल ब्लेजर वर्सेस वेलोसिटी के बीच में कल मैच होने वाला है, टी20 का दूसरा मैच। पहला मैच ट्रेल ब्लेजर ने बड़े आराम से विन किया, तो बात कर ले दोनों की क्या हो सकती है प्ले 11। और मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम 11 की टीम दूंगा और एक और ऐप एप्लीकेशन है प्ले स्पॉट, इसकी भी टीम दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताता हूँ। एक और बात दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। 2-3 घंटे न्यूज़ ही इकट्ठा करने में लग जाती है और फिर टीम बनाने पड़ती है। और बात, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें जरूर और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, ये मेरा स्पोर्ट्स चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप यहाँ से जुड़ जाए। कोई चार्ज नहीं, ओनली फ्री सेवा मिलती है आपको। जो भी न्यूज़ आएगी यहीं मिलेगी और फाइनल ड्रीम इलेवन की टीम और प्रेस वर्क टीम यहीं मिलेगी। टॉस के बाद जो भी प्लेन आएगी तो यहाँ मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके हिसाब से मैं अपनी फाइनल टीम बनाकर यहाँ दे दूंगा। जुड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं दोस्तों। कुछ घट नहीं रहा है, सिर्फ फ्री ज्वाइन करना, क्लिक करना, ज्वाइन हो जाइएगा। कुछ पैसा भी नहीं लगता, फ्री ज्वाइन करने का है। चलिए बात कर लेते क्या हो सकती है मेरी प्ले 11। तो प्लेन जाने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं क्या हो सकता है प्रीव्यू। तो मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ही होने वाला है। पिच बैटिंग फ्रेंडली रहेगी और थोड़ा हेल्प करेगी स्पिनर को, जैसे कल के मैच में हुआ था। देख लेते हैं क्या हो सकती है वेलोसिटी की लाइकली 11 मेरे हिसाब से। तो डेनियल वाट और हैरी मैथ्यूज ओपनिंग कर सकते हैं एंड मिथाली राज कैप्टनसी करेगी। फिर वेदा कृष्णमूर्ति, देविका वैद्या, एमलिकर ऑलराउंडर, काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है दोस्तों। फिर शिखा पांडे है, सुषमा वर्मा विकेट कीपर। फिर एकता बिष्ट काफ़ी अच्छी बॉलर है, स्पिन बॉलर। फिर यहाँ से जहाना आलम काफ़ी अच्छी फास्ट बॉलर है और यहाँ से कोमल जंजाट। तो ये हो सकती है बेंच में, आप देख सकते हैं सैफाली वर्मा और सुश्री प्रधान हो सकती है बेंच में। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेल ब्लेजर की लाइकली 11 क्या हो सकती है। तो स्मृति मंदाना पिछले मैच में 90 रन की पारी खेली, काफ़ी शानदार पारी खेली थी दोस्तों। यहाँ से सूजी बेस्ट ने काफ़ी अच्छा नहीं खेला, लेकिन 1 रन की पारी आउट हो गई थी, लेकिन अच्छी पिक हो सकती है ग्रैंड लीग में अगर अच्छी प्लेयर है दोस्तों। फिर हरलिन देओल भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, 36 रन पारी खेली थी पिछले मैच में, एक ओवर बॉलिंग की थी, 10 रन दी थी, ये विकेट नहीं निकाल पाई। फिर स्टेफनी ज़्यादा कुछ आदमी है, इंटरनेशनल प्लेयर, नंबर 1 ऑलराउंडर है आज के डेट में, लेकिन उतनी पिछले मैच में अच्छा कुछ भी नहीं कर पाई। तो आप लेना चाहते हैं पिक कर सकते हैं। यहाँ दीपी शर्मा है, हेमलता है, सकिरा सेलमैन है, रवि कल्पना है, झूलन गोस्वामी है, गायकवाड़ है और सोफी क्रिस्टन है। क्रिस्टन ने 2 विकेट निकाले और यहाँ से गायकवाड़ ने भी 2 विकेट निकाल लिए दोस्तों। चलिए बात कर ले कुछ रिकॉर्ड्स और क्या हो सकती है कैप्टन बाइसन ऑप्शन देख लेते हैं। तो स्मॉल लीग के लिए आपको काफ़ी अच्छा, बात करें ट्रम्प कार्ड प्लेयर के बाद ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों, तो सूजी वेट्स, दीप्ति शर्मा और जूनियन गोस्वामी आप पिक कर सकते हैं। स्मॉल ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि सूजी वेट्स पिछले मैच 1 रन मारी, लेकिन ऐसे प्लेयर है नहीं, 1 रन मारने वाले प्लेयर नहीं है, कुछ बड़ा कर सकती है। आप इनको ग्रेल नहीं ट्राई करके कैप्टन वाइस बनाकर आराम से कुछ अच्छा विन कर सकते हैं। वहीं वेलोसिटी की ओर से बात करें तो एकता बिष्ट है, मिताली राज, एमलिकर कुछ वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। और बात कर ले बेस्ट चॉइस पर कैप्टन वाइस कैप्टन और स्मॉल लीग के लिए, हैली मैथ्यूज है, डेनियल वाइट है, स्मृति मंदाना और टेलर है, ये चॉइस बेस्ट होगी स्मॉल लीग के लिए। चलिए बात कर लेते क्या हो सकती है मेरी प्ले स्पॉट टीम और ड्रीम 11 टीम। तो दोस्तों, ये प्ले स्पॉट एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा रेफरल कोड भी दिया हुआ है। अगर रेफरल कोड यूज़ करके साइनअप कीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़ तक फ्री मिल जाएगा खेलने के लिए। और ये 100 रुपीज़ आप कोई भी लीग में लगा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100% बोनस यूजल है। और ये 100% बोनस सारे लीग में, इवन स्मॉल लीग में भी यूजल है। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं जो स्मॉल लीग में भी 100% बोनस यूज़ करने देता है। ये ऐसा है, आपके पास बोनस है, जितने भी चाहे बोनस है, लाखों रुपीज़ क्यों ना बोनस हो, आप चाहे एक ही मैच में, एक ही लीग में, कोई भी लीग में लगा सकते हैं, एक ही दिन में, एक ही लीग में भी, क्योंकि 100% बोनस यूजुअल इन ऑल लीग। एक और ख़ास बात है, पेटीएम मात्र 5 सेकंड अंदर विड्रॉ आ जाता है। आप बैंक अकाउंट में भी 5 सेकंड आने का विड्रॉ का ऑप्शन है, और लाना चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं।
दोस्तों इसमें विनिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। पिछला मैच में आप देख सकते हैं मैंने एक लीग ज्वाइन किया, आराम से विन कर लिया, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी लो है दोस्तों। इसीलिए क्यों कंपटीशन लो, इसका पॉइंट्स में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अच्छा है। अगर इसका पॉइंट सिस्टम समझ जाए तो आप आराम से विन कीजिएगा। मैं काफ़ी दिनों से खेल रहा हूँ, इसका पॉइंट्स में समझ गया हूँ। और आप खेलना चाहें मेरी टीम से तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूँ टीम, फाइनल टीम, आप वहाँ जुड़ जाएँ। और आप रेफरल कोड यूज़ करके बोनस भी ले सकते हैं, विदाउट बोनस आप बोनस नहीं ले पाएंगे। विदाउट रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा तो साइनअप, रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा तभी बोनस मिलेगा। तो चलिए बात क्या हो सकती है टीम मेरी ड्रीम प्लस वर्क टीम। तो दोस्तों यहाँ मैं विकेट कीपर में रवि कल्पना को लिया है, आप वर्मा को ले सकते हैं, काफ़ी अभी अच्छी है, लेकिन दोनों के बैटिंग सेम ही है लगभग। और ऑलराउंडर मैंने पिक किया हुआ एमिली कर और दीप्ति शर्मा, और यहाँ से हरलिन देवल को पिक किया हुआ, हरलिन देवल को किसी क्रेडिट मैनेज करने के लिए पिक किया हुआ। मैं यहाँ से स्टेफन टेलर को पिक करना चाहता था लेकिन क्रेडिट मैनेज नहीं हो पाई। बॉलिंग बात करते तो आलम को पिक किया हूँ, गायकवाड़ को पिक किया हूँ, यहाँ से सोफी एक्लेसन को पिक किया हूँ। स्पिन थोड़ी ट्रैक है तो इसलिए पिच स्पिन हेल्प करेगी, इसलिए सोफी को पिक कर लिया हूँ, यहाँ से गायकवाड़ को। और आप चाहे शिखा पांडे को भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, तो क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा। सलमान को पिक कर सकते हैं, गोस्वामी भी है, एकता बिस्ट भी है, सबसे अच्छी एकता बिस्ट, आप यहाँ से पिक नहीं करना चाहते आलम को तो एकता बिस्ट को पिक कर लीजिए। स्पिन ट्रैक सही है, आप आराम से विकेट निकाल सकती है। बैटिंग में डेनियल वाट, हेली मैथ्यूज, मिताली राज, यहाँ से स्पिन मंदरा टॉप जो है हो सकते हैं, सबको पिक कर लिया हूँ। यहाँ से सूजी बैट्स को मिस कर रहा हूँ, क्रेडिट प्रॉब्लम, आप पिक करना चाहे कर सकते हैं। कैप्टन बात करते हैं स्मृति मंदना, नो डाउट। और वाइस कैप्टन बात करते हैं यहाँ से वेज कहाँ गया, हेली मैथ्यूज जो बैटिंग में दोनों से कमाल कर सकती है। ऑप्शन आपके पास मिताली राज भी है और डेनियल वाट वो भी ऑप्शन में है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो सकती है मेरी ड्रीम इलेवन टीम। फाइनल आपको टॉस के बाद ही मिलेगी जो आएगी प्ले इलेवन, क्योंकि कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज जरूर हो जाता है हमेशा। तो दोस्तों मैंने विकेट कीपर में सुषमा वर्मा को पिक कर लिया, मुझे 8 क्रेडिट बच रहे थे 0.5, इसलिए पिक कर लिया। और बैटिंग में मंदना, मैथ्यूज़, डेनियल वैट, मथुरा राज को पिक किया, सुजी बेस्ट को यहाँ भी मिस कर रहा हूँ। आप लेना चाहें डायरेक्ट आपसे टेलर हटाइए, यहाँ से मैथ्यूज बेस्ट को ले लीजिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा टेलर से जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से फिर एमली कर और यहाँ से हरलिन देवल, फिर यहाँ से मैंने वर्मा को दीप्ति शर्मा को मिस किया। बॉलिंग मैंने सोफी को लिया हुआ, एकता बिस्ट को लिया और गायकवाड़ को लिया, ऑप्शन बता चुका हूँ आपको। तो ये टीम है, कैप्टन में मंदना ही रहेगी, वाइस कैप्टन रहेगी मेरी हेली मैथ्यूज, ये सेव कर लिया। ये प्रीव्यू है दोस्तों, आप कैप्टन डेनियल वाट को भी बना सकते हैं, वाइस कैप्टन मैंने अब मिताली राज को भी कहता हूँ, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ से टेलर भी अच्छी ऑप्शन है और एमली कर भी है, ये दो चार प्लेयर हैं आप बनाना चाहे बना सकते हैं अपनी हिसाब से। तो आप मैंने बैट्स को मिस कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से ले भी सकते हैं और टेलर को मिस करके कॉपी पेस्ट ना करें टीम को, अपनी मर्जी से टीम बनाएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, आपको ये फ़ायदा होगा कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।